हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ETEST You Tube Channel। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस का पेपर डिस्कस किया जाएगा। लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस का ये पेपर आज ही 19 दिसंबर 2020 को पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन PPSC ने मुनक्किद किया है। इसके कुछ सवालात में मौसूल हुए हैं जो आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन को, हर सवाल को डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस किया जा सके। चलते हैं क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चन नंबर वन, चौधरी जफरुल्लाह खान बोर्न इन विच सिटी? चौधरी जफरुल्लाह खान सियालकोट में पैदा हुए। चौधरी जफरुल्लाह खान 6 फरवरी 1893 को सियालकोट में पैदा हुए और 1 सितंबर 1985 को लाहौर में वफात पाई। व्यूअर्स, यहां पे नोट कर लें कि पेपर में आने वाला सवाल सिर्फ यही है। शॉर्ट डिटेल में जो आपको डिटेल प्रोवाइड की जा रही है, ये मुख्तलिफ पेपर्स में बार बार पूछे गए सवालात हैं। ETEST यूट्यूब चैनल पर तमाम पेपर्स इसी तरीके से डिस्कस किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, लीडर ऑफ द हाउस इन सेनेट। सेनेट में लीडर ऑफ हाउस शहजाद वसीम है। शहजाद वसीम का ताल्लुक PTI से है। शहजाद वसीम 4 जून 2020 से लीडर ऑफ द हाउस खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, हु वाज द थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल का नाम गुलाम मोहम्मद है। मुख्तलिफ पेपर्स में मुख्तलिफ तरतीब पूछी गई है। नोट कर लें कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायद अजम मोहम्मद अली जिना थे। दूसरे गवर्नर जनरल सर ख्वाजा नाजमुद्दीन थे। तीसरे गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद थे। चौथे गवर्नर जनरल अस्कंदर मिर्जा थे। पाकिस्तान के टोटल 4 गवर्नर जनरल हैं जिनकी तरतीब आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही है। इस तरतीब को याद रखिएगा। मुख्तलिफ पेपर्स में ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ मैनी फर्ज इन वजू? वजू के 4 फराइज हैं जबकि गुसल के 3 फराइज हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड सूरा ऑफ कुरान? कुरान मजीद की तीसरी सूरा का नाम सूरा अल इमरान है। सूरा अल इमरान 200 आयात पर मुश्तमिल सूरा है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल मेंबरान की तादाद 15 है, जिनमें 5 मेंबर्स जो है वो परमानेंट है जबकि 10 मेंबर्स नॉन परमानेंट है। ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, इनका सर्विंग टेन्योर 2 साल होता है। 2 साल के बाद ये मेंबर्स चेंज हो जाते हैं। ये एक अल्फाबेटिकली एक तरतीब है, एक अरेंजमेंट है, जिस हिसाब से, जिस तरतीब से यूनाइटेड नेशंस में तमाम कंट्रीज को 1 बाय 1 2 साल के लिए मौका दिया जाता है कि वो शामिल हों, अपनी आरा, अपनी सजेशन दे सकें। व्यूअर्स, हर पेपर में यूनाइटेड नेशंस के नाम से 2-3 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट होते हैं। आपकी स्क्रीन पर आई बटन शो हो रहा है। इस आई बटन में इंट्रोडक्शन टू यूनाइटेड नेशंस के नाम से वीडियो मौजूद है। वहां से इस टॉपिक को जरूर तैयार करें ताकि फ्यूचर में आने वाले हर पेपर में आप ये 2-3 नंबर जो है आसानी से हासिल कर सकें। क्वेश्चन नंबर सेवन, द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज रिटन बाय? मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस ये एक किताब का नाम है जिसे जुल्फकार अली भुट्टो ने 1969 में पब्लिश किया। क्वेश्चन नंबर एट, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हेडक्वार्टर इज इन? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर, मौजूदा जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ इंडिया में है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद 30 दिसंबर 1906 को रखी गई। उस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर जो है वो ढाका को बनाया गया था आरजी तौर पर। जिस वक्त इसकी बुनियाद रखी गई, ये बुनियाद ढाका बांग्लादेश में रखी गई। क्वेश्चन नंबर नाइन, द बुक फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स वॉज रिटन बाय? किताब है जिसका नाम फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स है। ये किताब मोहम्मद अयूब खान ने लिखी थी। ये किताब फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स 1967 में पब्लिश की गई। क्वेश्चन नंबर टेन, G20 समिट वॉज हेल्ड इन? G20 समिट ये कॉन्फ्रेंस जो है 20 G20 की कॉन्फ्रेंस सऊदी अरेबिया में
منعقد ہوئی. یہ 20ویں کانفرنس تھی. بیسیکلی G20 جو ہے یہ اکانومک ڈیولپمنٹ کے لیے بنایا گیا ایک گروپ ہے. 2020 میں جو سعودی عربیہ میں کانفرنس ہوئی ہے یہ 15ویں کانفرنس تھی جو 21-22 نومبر 2020 کو ریاض سعودی عربیہ میں منعقد ہوئی. ویورز مزید آگے جانے سے پہلے اگر آپ ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی ہر لیٹسٹ امپورٹنٹ ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے. ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل پر تمام پاسٹ اینڈ کرنٹ پیپرز سالوڈ ڈیٹیل کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں. آج کا موجودہ پولیٹیکل سائنس کا پیپر بھی اگر آپ دیکھیں گے ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل کے تمام پچھلے ڈیٹے کو تو تقریباً 80% پیپر ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل سے ہی لیا گیا ہے. کوشچن نمبر 11, واٹ از تھرڈ سورس آف اسلامک لا؟ اسلامک لا کا جو تھرڈ سورس ہے وہ اجماع ہے. ویورز بیسیکلی 4 سورسز ہیں اسلامک لا کے, جن میں پہلے نمبر پہ قرآن ہے, دوسرے پہ حدیث, پھر اجماع, چوتھے پہ قیاس. اگر ہم نے کوئی چیز ٹیلی کرنی ہے دین اسلام کے معاملے میں تو سب سے پہلے ہم قرآن سے رجوع کریں گے. اگر وہ قرآن میں نہیں ملتی تو ہم حدیث سے رجوع کریں گے. اگر وہ ان دونوں میں نہیں ملتی تو پھر ہم اجماع کی طرف آئیں گے. اگر ان تینوں میں وہ مسئلہ ہمیں نہیں ملتا, وہ معلومات نہیں ملتی, تو پھر قیاس کو اپنایا جائے گا. کوشچن نمبر 12, وین ڈیڈ پاکستان جوائن نیم؟ پاکستان نے نیم کو 1979 میں جوائن کیا. نیم سٹینڈز فار نان الائنڈ موومنٹ. نیم کو 1961 میں قائم کیا گیا. پاکستان نے 1979 میں جوائن کیا جبکہ نیم 1961 میں بنا. کوشچن نمبر 13, ہو واز دا فرسٹ لا منسٹر آف پاکستان؟ پاکستان کے پہلے لا منسٹر کا نام جوگندرا ناتھ مینڈل تھا. جوگندرا ناتھ مینڈل نے 15 اگست 1947 سے 8 اکتوبر 1950 تک لا منسٹر آف پاکستان خدمات سر انجام دی. کوشچن نمبر 14, بلٹارو گلیشیئر از لوکیٹڈ ان وچ ماؤنٹین رینج؟ بلٹارو گلیشیئر کراکرم ماؤنٹین رینج میں واقع ہے. بلٹارو گلیشیئر یہ 63 کلومیٹر لمبا گلیشیئر ہے. اس کی لمبائی 63 کلومیٹر ہے اور یہ گلگت بلتستان پاکستان میں واقع ہے. کوشچن نمبر 15, ان آئی ڈونیشن وچ پارٹ آف آئی از یوزڈ؟ جب آنکھ کو ڈونیٹ کیا جاتا ہے تو اس وقت آنکھ کا جو حصہ جسے کارنیا کہا جاتا ہے وہ ڈونیٹ کیا جاتا ہے. کارنیا ایک ٹرانسپیرنٹ حصہ ہے آنکھ کا جو لائٹس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. کوشچن نمبر 16, دی بک ویلتھ آف نیشنز واز ریٹن بائی؟ موسٹ ریپیٹڈ کوشچن ہے. ویلتھ آف نیشنز یہ کتاب کا نام ہے جسے ایڈم سمتھ نے لکھا تھا. یہ کتاب ویلتھ آف نیشنز 1776 میں شائع کی گئی. کوشچن نمبر 17, ہاؤ مینی امینڈمنٹس اکرڈ ان یونائٹڈ نیشنز کانسٹیٹیوشنز؟ یونائٹڈ نیشنز کا جو قانون ہے, کانسٹیٹیوشن ہے, آئین ہے, اس میں 2020 تک 27 ترامیم کی جا چکی ہیں. اگر آپ پاکستان کے آئین 1973 کو دیکھیں تو مختلف پیپرز میں اس کے بارے میں بھی پوچھا گیا ہے کہ پاکستان کے آئین 1973 میں اب تک کتنی امینڈمنٹس کی گئی ہیں. اب تک پاکستان کے آئین 1973 میں 26 ترامیم کی گئی ہیں. کوشچن نمبر 18, دی انلمنٹ آف بنگال واز اکرڈ ان؟ تقسیم بنگال کو 1911 میں منسوخ کیا گیا. تقسیم بنگال بیسیکلی 1905 میں ہوئی تھی اور اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا بنگال کو. 1911 میں دوبارہ اس تقسیم کو منسوخ کیا گیا اور بنگال کو دوبارہ یکجا کر دیا گیا. کوشچن نمبر 19, وین ڈڈ فائڈل کاسٹرو بیکیم پریزیڈنٹ؟ فائڈل کاسٹرو 1976 میں پریزیڈنٹ صدر بنے. فائڈل کاسٹرو 1976 میں کیوبا کے صدر بنے. کوشچن نمبر 20, پاکستان جوائنڈ سیٹو ان مئی 1954. پاکستان نے سیٹو کو مئی 1954 میں جوائن کیا. سیٹو سٹینڈز فار ساؤتھ ایسٹ ایشین ٹریٹی آرگنائزیشن.
पाकिस्तान ने 1954 में सीटों को ज्वाइन किया और 1973 में सीटों को छोड़ दिया और 1975 में सीटों परमानेंटली तौर पे खत्म हो गई। सीटों जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये 1975 में खत्म हो गई थी। ये तीनों डेट्स को याद रखिएगा, फर्दर फ्यूचर में ये क्वेश्चंस आपसे दोबारा पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द टर्म क्लासलेस सोसाइटी वाज यूज्ड बाय, ये एक टर्म है क्लासलेस सोसाइटी, इसे कार्ल मार्क्स ने यूज किया था। क्वेश्चन नंबर 22, आफ्टर इंडिपेंडेंस विच लॉ वाज यूज्ड इन पाकिस्तान फॉर 8 ईयर्स, पाकिस्तान बनने के बाद आजादी के बाद 14 अगस्त 1947 के बाद पाकिस्तान में 8 साल तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 राइज रहा, उसके बाद पाकिस्तान ने अपना आईन बनाया और उस पे इंप्लीमेंट शुरू हुआ। पाकिस्तान बनने से 8 साल बाद तक गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 के मुताबिक अमल होता रहा। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी मेंबर्स वर इन शिमला डेपुटेशन, शिमला वफ्द में टोटल अरकान की तादाद 35 थी। शिमला डेपुटेशन 1 अक्टूबर 1906 1 अक्टूबर 1906 को वाइसराय लॉर्ड मिंटो से मिला, यह मुलाकात शिमला में हुई। शिमला डेपुटेशन की सरबराही सर आगा खान ने की। क्वेश्चन नंबर 24, हुगो ग्रोशियस बिलोंग टू विच कंट्री, हुगो ग्रोशियस का ताल्लुक नेदरलैंड से है। हुगो ग्रोशियस ये एक पॉलिटिकल फिलोसफर था। क्वेश्चन नंबर 25, कॉन्स्टिट्यूशन 1956 वाज पास्ड बाय, कॉन्स्टिट्यूशन आईन 1956 की मंजूरी चौधरी मोहम्मद अली ने दी। 1956 का ये आईन 29 फरवरी 1956 को पास किया गया, मंजूर किया गया। क्वेश्चन नंबर 26, द टर्म बनाना रिपब्लिक इज यूज्ड फॉर, व्यूअर्स ये एक टर्म है बनाना रिपब्लिक, ये पॉलिटिकल अनस्टेबल कंट्री, वो मुल्क जहां पे सियासी हालात जो है मुस्तहकम ना हो, उस मुल्क के लिए बनाना रिपब्लिक का टर्म लफ्ज वर्ड यूज किया जाएगा। इस टर्म को बनाना रिपब्लिक को पहली बार 1904 में हेनरी ने इस्तेमाल किया। 1904 में हेनरी ने एक किताब लिखी जिसका नाम कैबेजेस एंड किंग्स था, उस किताब में ये टर्म बनाना रिपब्लिक यूज की गई। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मेनी जजेस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें टोटल जजेस की तादाद 9 है। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी एशियन मेंबर्स इन यूएन, यूनाइटेड नेशंस में एशियन मेंबर्स की तादाद 48 है। यूनाइटेड नेशंस में टोटल मेंबरान की तादाद मेंबर्स कंट्रीज की तादाद 193 है। 193 ममालिक में 48 ममालिक वो हैं जो एशियन कंट्रीज हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच न्यूज़पेपर वाज वर्किंग बिफोर पार्टीशन, पार्टीशन से पहले तकसीम से पहले 14 अगस्त 1947 से पहले जो अखबार काम कर रहा था वो डॉन न्यूज है। डॉन न्यूज़पेपर पाकिस्तान बनने से पहले भी पब्लिश हो रहा था। डॉन न्यूज़पेपर की बुनियाद 26 अक्टूबर 1941 को रखी गई। 26 अक्टूबर 1941 को डॉन न्यूज़पेपर को कायद अजम मोहम्मद अली जीना ने शुरू किया। डॉन न्यूज़पेपर के बानी का नाम मोहम्मद अली जीना है। क्वेश्चन नंबर 30, हु इंट्रोड्यूस्ड लोकल गवर्नमेंट कॉरपोरेशन, लोकल गवर्नमेंट कॉरपोरेशन को परवेज मुशर्रफ ने मुतारिफ करवाया। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को 14 अगस्त 2001 से इंप्लीमेंट किया गया। क्वेश्चन नंबर 31, हु रोट द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका का जो आईन है वो थॉमस जेफरसन ने लिखा। थॉमस जेफरसन ने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका के आईन के 3 ड्राफ्ट लिखे। क्वेश्चन नंबर 32, एलएफओ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, एलएफओ को याहिया खान ने मुतारफ करवाया। एलएफओ स्टैंड्स फॉर लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर को जनरल आगा याहिया खान ने 1970 में मुतारफ करवाया।
क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज इलामा इकबाल्स बुक। पेपर में चार ऑप्शंस दिए गए थे, पूछा गया था कि इनमें से कौन सी किताब इलामा इकबाल की है। बाले जिब्रील को इलामा इकबाल ने लिखा था। बाले जिब्रील बेसिकली ओरिजिनली 1935 में शाया की गई। क्वेश्चन नंबर 34, विच कंसेप्ट वॉज गिवन बाय रोसू। रोसू ने सवेरनिटी का कंसेप्ट दिया था। क्वेश्चन नंबर 35, विच इज द हाइएस्ट एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऑफ चाइना। चाइना की जो हाइएस्ट एग्जेक्टिव अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है। चाइना का सदर जो है वो हाइएस्ट एग्जेक्टिव अथॉरिटी कंसिडर किया जाता है। व्यूअर्स, ये चंद सवाल थे जो हमें मौसूल हुए थे और आपके साथ शेयर किए हैं। कोशिश की है कि तमाम सवाल के एक्यूरेट जवाब आपको मुहैया किए जा सकें और साथ साथ आपको शॉर्ट डिटेल प्रोवाइड की जाए ताकि फ्यूचर में आने वाले पेपर की आपकी मजीद तैयारी हो सके। अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में कोई मिस्टेक हो तो उसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट पेपर के साथ दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।